श्री पप्पू यादव जी की अविलंब रिहाई को लेकर ये सभी पांच सूत्री मांगों को लेकर भूख हड़ताल है, महाभूख हड़ताल है, 48 घंटे का है। उसके बाद सरकारी संस्थानों को निजीकरण हो रहा है, उसके खिलाफ हमारी आवाज़ है। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। नीतीश कुमार को बिहार सरकार को अल्टीमेटम मिल गया है 21 तारीख तक का, यानी कि जन अधिकार पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल के ख़त्म होने तक का अल्टीमेटम मिला है। तब तक अगर सरकार फैसला नहीं लेती है तो ये लोग, इन लोगों ने सीधे तौर पे कहा है, सरकार को आगाह किया इस बात को लेकर के कि वे लोग जो हैं अब संविधान का जो भी नियम कानून की आप दुहाई देते हैं वे नहीं मानेंगे, नहीं मानने पर बाध्य हो जाएंगे, सड़क पर उतर जाएंगे और बिना नियम कानून के अब जो हैं जैसे मन होगा वैसे प्रदर्शन करेंगे। ये तमाम चीज़ें कह रहे हैं, आप देख लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं। आपको बता दें जो जन अधिकार पार्टी के युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजीव दानवीर जी, साथ ही साथ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राघवेंद्र कुशवाहा जी, आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। आज जन अधिकार पार्टी के द्वारा पूरे राज्यव्यापी पांच सूत्री मांगों को लेकर ये हमारा महाभूख हड़ताल है, 48 घंटे का है, और जिसमें बढ़ती हुई महंगाई को लेकर जो कि हम लोग लगातार पहले से इसको मांग को लेकर सड़कों पर है, चाहे बहुत तरह के हमने आंदोलन किया। उसके बाद सरकारी संस्थानों को निजीकरण हो रहा है, उसके खिलाफ़ हमारी आवाज़ है, और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में अभी तक राहत कार्य पुख्ता तौर पर अच्छे तौर पर नहीं किया जा रहा है, इसको लेके भी हम लोग का है, और OBC आरक्षण को जारी रखा जाए। साथ में हमारे नेता जन जन के आदरणीय श्री पप्पू यादव जी की अविलंब रिहाई को लेके ये सभी पांच सूत्री मांगों को लेकर भूख हड़ताल है, ये राज्यव्यापी है। जिस तरह से हमारे नेता ने सेवा किया और सेवा के अवज में उनको जेल मिला, और लगातार हम लोग आंदोलन के माध्यम से आवाज़ पहुंचाने का काम कर रहे हैं, महंगाई को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, और बिहार में कई जन विरोधी नीतियों को लेकर सरकार द्वारा जो चलाए जा रहे हैं उसको लेकर भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। यदि इन सभी मांगों को हमारी पूरा नहीं करती है तो आंदोलन बड़े स्तर पर होगा, उग्र होगा और व्यापक स्तर पर होगा। आज पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर जन अधिकार पार्टी की ओर से 48 घंटे का भूख हड़ताल 11 बजे दिन से प्रारंभ हो चुका है। आज के भूख हड़ताल में पांच सूत्री मांग को लेकर के बिहार के तमाम जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता तथा विभिन्न सामाजिक संगठन और सांस्कृतिक संगठन के लोग भी हमारी मांगों के साथ आज भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। जो पांच मांगों को लेकर के हम लोगों ने आज भूख हड़ताल शुरू किया है, उसमें सबसे पहला मांग, देश में बढ़ रही कमरतोड़ महंगाई है जो देश के तमाम जनता के ऊपर में एक बोझ बन करके आई है, जिनके थाली से रोटी गायब हो रही है और लोगों का जीना दूभर हो रहा है। मोदी सरकार के बहुतेरे मंत्री, जब पेट्रोल का दाम 50 से 55 हो गया था तो ये लोग आसमान उठा लिए थे अपने सर पर, लेकिन आज 100 से पार हो चुका है देश में पेट्रोल की कीमत, लेकिन ये लोग अपने हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हैं। पूरा बिहार बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित है। बाढ़ की विभीषिका में बिहार के 70% लोगों का जान माल की क्षति हुई है। हमारी पार्टी पर्याप्त राहत देने की सरकार से मांग कर रही है। भारत की सरकार केंद्रीय नौकरियों में धीरे धीरे आरक्षण OBC वर्ग का खत्म कर रही है या उसको स्टैग्नेंट कर रही है, यानी उसको 27% के अंदर ही डाल दे रही है। जो बच्चे आरक्षित वर्ग के, जो बच्चे जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं, जंप करते हैं, उनको जंप नहीं करने दिया जाता है और उसी तरह की श्रेणी में रखा जाता है। कई नौकरियों में 27% का आरक्षण भी इन्होंने खत्म कर दिया है, जैसा कि नीट वगैरह की परीक्षा में, मेडिकल की परीक्षा में ऑल इंडिया लेवल पे जो सीट अलॉट है उसमें 27% की जो का आरक्षण खत्म कर दिया गया है। उसके खिलाफ में जन अधिकार पार्टी आज बैठी हुई है पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर भूख हड़ताल पर। चौथा मांग है कि भारत के
गरीब जनता के गाढ़ी कमाई से अर्जित टैक्स का जो धन है उससे सार्वजनिक कंपनियों का निर्माण होता है और उस सार्वजनिक कंपनियों को ये भारत की सरकार औने पौने दाम में देश के पूंजीपतियों के साथ उसका सौदा कर रही है और ये देश के पूंजीपति उन तमाम चीज़ों पर अपना हक जमा रही है जिस पर देश के तमाम लोगों का हक है। इसके खिलाफ भी हम लोग आज बैठे हैं, हम बैठे हैं। अंतिम हमारा पांचवा मांग है कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश रंजन पप्पू को एक साधारण मामले में लगभग 65 दिनों से जेल के सिक्कों में बंद रखा गया है। सरकार ये अलोकतांत्रिक रवैया अपना रही है उनके प्रति, राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर के हमारे नेता के खिलाफ में जो ये सरकार दमनकारी नीति अपनाए हुए है इसके खिलाफ में उनको अविलंब रिहा करने के लिए आज पूरे बिहार के जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता तथा विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग, कुछ राजनीतिक संगठन के लोग भी, सांस्कृतिक संगठन के लोग आज 48 घंटे का भूख हड़ताल शुरू किए हुए हैं। ये भूख हड़ताल 21 तारीख को ख़त्म होगा, बकरीद के दिन। उस रोज़ हमारे मुस्लिम भाई अपने ईद की सेवई के साथ हम लोग का हड़ताल तुड़वाएंगे, भूख हड़ताल तुड़वाएंगे और पूरे बिहार में फिर से हम लोग कोई राजनीतिक आंदोलन का एक नया रुख अख्तियार करेंगे। ये हमारा अंतिम सत्याग्रह है। इसके बाद हम लोग हो सकता है कि नियम और कायदे को ताक पर रखेंगे। जिस तरह से भारत सरकार और बिहार सरकार देश के संविधान से खिलवाड़ कर रही है तो हम लोग भी अब बाध्य नहीं होंगे 21 तारीख के बाद कि संविधान के कानूनों की रक्षा करने की जिम्मेवारी भारत सरकार पर है। लेकिन हम उस कानून का पालन करेंगे, लेकिन हम उस पर दबाव बनाएंगे और उग्र भी हो सकते हैं अपने नेता की रिहाई के लिए। हम आप पत्रकार बंधुओं से ये कहना चाहते हैं कि आप निश्चित रूप से इसको प्रमुखता से दिखलाएं ताकि जो कान में तेल डाल करके भारत सरकार और बिहार सरकार बैठी है उनकी तंद्रा टूटे। हम लोग बचपन में सुना करते थे कि कानों में दीवार होए, जरा धीरे से बोलो, दीवारों के कान होते हैं। हम लोग बचपन से सुना करते थे कि दीवारों के कान होते हैं, जरा धीरे से बोलो। लेकिन आज पता चल रहा है कि भारत सरकार और केंद्र सरकार, बिहार सरकार में जो लोग बैठे हैं उनके कानों में दीवार है और उन कानों की दीवार को छेद करने के लिए भगत सिंह की तरह विस्फोटक आवाज में आज हम लोग उनके लिए चीखेंगे, चिल्लाएंगे ताकि इनके कानों की दीवार फटे, इनके कानों की चादर फटे और हमारी पांच मांगों को ये लोग सुन सके, समझ सके और उन पर अमल कर सके। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।